दिल्ली टू देहरादून हाईवे पे ऋषभ पंत का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी जलकर राख हो गई और आखिर एक्सीडेंट किस तरह हुआ ये सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। डिवाइडर से जाकर सीधा गाड़ी उछली और काफ़ी बुरा ये एक्सीडेंट हुआ। फौरन ही उसमें आग लगना शुरू हो गई थी। ऋषभ पंत अपनी गाड़ी में ही मौजूद थे और बुरी हालत में अपनी गाड़ी से खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर आना पड़ा। अपनी गाड़ी को वो खुद ड्राइव कर रहे थे। ये सामने नहीं आया कि ऋषभ पंत आखिर उस वक्त और किसके साथ मौजूद थे। अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो जान बचना मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बाल बाल ऋषभ पंत की जान बची है। ऋषभ अपनी माँ को सरप्राइज़ करने के लिए न्यू ईयर के वक्त पर जा रहे थे अपने घर और रुड़की पर ही उनका ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वही जानते हैं।